मम्मी, तो आज मुझे और मेरे फ्रेंड्स को कौन सी अधिक मास की स्टोरी सुनाने वाली है? तो आज की हमारी स्टोरी है, उसका नाम है चार चकली। चार चकली। ठीक है, चकली मतलब स्पैरो। ये जो स्पैरो है ना, बहुत छोटा सा बर्ड होता है। अभी तो बहुत कम देखने को मिलता है, हम लोग जब छोटे थे ना तो ये बर्ड बहुत देखने को मिलता था। तो जिसका आगे का मुंह थोड़ा सा ब्लैक होगा ना, उसको मेल चकली बोलते हैं, और जिसका आगे का मुंह ब्राउन जैसा रहता है उसको फीमेल चकली बोलते हैं। ठीक है, जिसको हम बोलते थे चक्को और चक्की। तो आज की हमारी वार्ता है चार चकली। तो जब पुरुषोत्तम मास था ना, तो जो सारी जो लेडीज थी ना, जिसको हम बोलते हैं स्त्रियाँ, तो सारी स्त्रियाँ पेड़ के नीचे बैठ के आराम से अपनी बातें करती थी। तो वहाँ पे पेड़ के ऊपर चार स्पैरोज रहती थी, चकली रहती थी। तो वो सारी लेडीज की बात सुनती थी। अब लेडीज ने बोला कि जो पुरुषोत्तम मास के अंदर पूरा महीना कुछ खाना नहीं खाते, यानी कि जो नकोड़ा उपवास करते हैं, उसको राजा का घर मिलता है। जो सिर्फ फराल करते हैं, यानी जिसे फ्रूट खाते हैं, नमक नहीं खाते हैं, उनको नगर सेठ का घर मिलता है। जो एक टाइम खाना खाते हैं उसको व्यापारी का घर मिलता है, और जो पूरा दिन खाना खाते हैं उसको गरीब का घर मिलता है। तो चारों चकलियों ने बात सुन ली, उनको हम हिंदी में क्या बोलेंगे, चिड़िया। ठीक है, तो चारों चिड़िया ने ये बात सुन ली। तो उन्होंने सोचा कि हम लोग भी अब पुरुषोत्तम मास का व्रत करेंगे। तो पहली चकली बोलती है, मैं तो कुछ नहीं खाऊंगी, 30 दिन मैं तो भूखी रहूंगी। दूसरी बोलती है, मैं सिर्फ फ्रूट वगैरह खाऊंगी। तीसरी बोलती है, मैं एक टाइम खाना खाऊंगी। चौथी बोलती है, हाँ यस यूपी, तुम तीनों कुछ नहीं खाओगे तो सारा खाना मुझे मिल जाएगा, तो मैं तो सारा खाना खा जाऊंगी, ये। तो इस तरह से चारों चकलियों ने अपना पुरुषोत्तम मास किया। उसके बाद थोड़े टाइम बाद वो चारों की चारों चकलियाँ मर गई। फिर जब उनका अगला जन्म हुआ, तो वो चारों की चारों एक राजा के घर में जन्मी, है ना, चारों की चारों। तो जो पहली लड़की जन्मी ना, जो पहली चिड़िया थी, वो जब जन्मी तो वो सबसे बड़ी लड़की बन के आई राजा की। तो वो इतनी ब्यूटीफुल थी और वो बहुत अक्लमंद भी थी। अक्लमंद मतलब बुद्धिमान। बुद्धिमान। ठीक है, दूसरी जो चिड़िया थी, जिसने फराल किया था, जिसने फ्रूट खाया था, वो यहाँ पे बहुत गुड लुकिंग तो थी, लेकिन उसकी अक्ल थोड़ी कम थी। फिर जो तीसरी चिड़िया थी, जिसने एक टाइम खाना खा के व्रत किया था, वो लुक में भी ठीक ठाक थी और बुद्धि में भी ठीक ठाक थी। और जो चौथी थी, जिसने पूरा दिन खाना खाया था, उसका तो ना लुक अच्छा था और ना ही अक्ल अच्छी थी। तो ना शक्ल अच्छी ना अक्ल अच्छी। ठीक है, अब चारों की जब शादी की बात आई, तो पहली लड़की तो इतनी ब्यूटीफुल और इतनी अक्लमंद, तो उसको तो एक राजा का जो राजकुंवर था ना, उसने पसंद कर लिया कि मुझे तो इसी लड़की से शादी करनी है। तो उसकी शादी हो गई राजा के घर में। फिर जो दूसरी थी, जिसकी शक्ल तो अच्छी थी बट अकल थोड़ी कम थी, उसको लेके गया नगर सेठ का बेटा। नगर सेठ मतलब वो जो टिपिकल जो टाउन रहता है ना, उस टाउन के अंदर जो सबसे बड़ा इंसान होता है ना, उसको नगर सेठ बोलते हैं। तो नगर सेठ का बेटा उसको लेके चला गया शादी करके। फिर जो तीसरी थी, जिसकी शक्ल और अक्ल दोनों ठीक ठीक थी, मीडियम था, उसको लेके गया व्यापारी का बेटा। एक वहाँ पे व्यापारी था उस नगर के अंदर, उसके बेटे को वो लड़की पसंद आ गई, तो शादी उसके साथ हो गई। अब रही चौथी लड़की, चौथी लड़की से कोई शादी करना नहीं चाहता था, क्योंकि वो दिखती भी अच्छी नहीं थी और उसमें अक्ल भी नहीं थी। तो अब करे तो क्या करे, राजा बेचारा परेशान कि अब ये एक लड़की का मैं शादी कैसे कराऊँ। फिर उसने सोचा कि एक काम करता हूँ, मैं किसी गरीब के लड़के को अपने घर में ले आता हूँ। तो कोई गरीब का एक लड़का था, उसको जाके राजा ने बोला कि मेरी छोटी वाली लड़की से आपकी बेटे की शादी करवाओगे और मैं उसको अपने महल में ही रखूँगा। तो गरीब ने सोचा, बाप रे, मेरे लड़के को तो ऐसे राजा की लड़की कहाँ से मिल सकती है। तो गरीब ने उसकी शादी करवा दी और वो लड़का जो है वो महल में रहने चला गया। फिर एक दिन चारों की चारों बहनें इकट्ठा हुई, तो ये छोटी वाली बहन बोलती है कि तुम लोगों को तो सबको कितना अच्छा, तुम अपने ससुराल में जा सकते हो, मुझे तो शादी करके भी इधर ही रहना पड़ता है। तो जो सबसे बड़ी बहन थी ना, उसने बोला कि तुझे पता है, जिसकी शक्ल भी अच्छी थी, जो ब्यूटीफुल भी थी और जो बहुत होशियार भी थी, वो तो उसको पिछले जन्म का ये पूरा सीन याद था। तो उसने क्या बोला कि तुझे पता है, पिछले जन्म में हम चारों चिड़िया थी और मैंने इस तरह से व्रत किया था,
और तूने इस तरह से व्रत किया था, तो तूने इतना खाना खाया था कि इसीलिए तेरे साथ इस जन्म में ये चीज़ हो रही है। तो लड़की को लगा कि अच्छा, फिर इस साल जब पुरुषोत्तम मास आया तो जो सबसे छोटी वाली लड़की थी ना, उसने 30 के 30 दिन कुछ भी नहीं खाया और बिना खाए उपवास किया। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि राजा से उन्होंने थोड़े से पैसे लिए और उसके बाद उसके हस्बैंड ने वहाँ पे एक छोटी सी दुकान शुरू करी और वो दुकान फिर उसकी इतनी ज़्यादा चलने लगी कि वो लोग भी धीरे धीरे पैसे वाले हो गए और वो लोग भी जाके अपने घर में रहने लगे। तो इस तरह से जो पुरुषोत्तम मास है उसके अंदर व्रत करता है, भगवान का नाम लेता है, उसको हमेशा अच्छे फल मिलते हैं। ठीक है, तो अभी तुझे तो ऐसा नहीं कि पुरुषोत्तम मास है तभी नाम लेना है, बस जब भी एक बार भगवान को याद करो तो सच्चे और अच्छे मन से याद करना है। यस, और अभी हमारा ये टाइम है, यानी जो तुम्हारा टाइम है, इस टाइम ऐसा तो नहीं है कि तुम लोग बिना खाना खाए रहोगे, लेकिन जो हाँ आपको तो खाना खाना पड़ेगा। तो हम कैसा व्रत कर सकते हैं कि हम जंक फूड नहीं खाएंगे, ठीक है, हम मोबाइल नहीं देखेंगे, हम टीवी नहीं देखेंगे, ठीक है। तो आप इस तरह का व्रत कर सकते हैं, ठीक है। तो भगवान क्या देंगे? हाँ, भगवान क्या देंगे जो आपके लिए अच्छा होगा वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आप सबको स्टोरी अच्छी लगी फ्रेंड्स, तो कल मिलते हैं दूसरी स्टोरी के साथ। बाय बाय, नमस्ते।